और ध्यान देंगे सर। मैं बता रहा था कि ये मेन गेट है लेकिन मेन गेट नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो मैंने बताया था आपको सर, यहाँ पर एक मेन गेट था, यहाँ पे नहीं था, अभी मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। तो मैं बता रहा था ना कि गेट पे गेट कीपर होते थे। तो सोचिए जी, सोचिए जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट होता था तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे, प्रोफेशन कैसे होंगे? कुछ का नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे में जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। नालंदा के थे, राहुल भद्र, सील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसु संघा, अतिश दीपंकर, हेनसान, फायान और आर्यभट्ट, नरोपा, सरोपा, त्रिलोपा, विलोचना, अतिशम्भवा, ये सब नालंदा के थे। फायान पांचवी में आया था ना सर, तब तो नालंदा तो तब नहीं। हाँ, 413 ईस्वी में बना है। मैं तो बताया ना कि कुमार गुप्त इसका निर्माण, ये थे पांचवी शताब्दी, फायान आया था यहाँ से। अभी आपने कमरे देख लिए, ठीक है ना? नालंदा विश्वविद्यालय का अभी तक मेन गेट और लाइब्रेरी नहीं मिला है। लाइब्रेरी के बारे में पढ़े होंगे भी। लाइब्रेरी के नाम के आगे में रतन शब्द का प्रयोग किया हुआ है सर। रतन का मतलब ही होता अनमोल, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। रतन रंजक, रतन सागर और रतन दधि था, और वहाँ बताया जाता है नाइल मिनियल्स बुक्स थे, समझे? लेकिन उस जमाने में पढ़ाई होता था पेन, कागज, कलम, डायरी पे नहीं होता था। अभी मॉडर्न युग में हम लोग उस पे पढ़ाई करते हैं। उस जमाने में पढ़ाई होता था भोजपत्र और ताम्रपत्र पे। भोजपत्र कहते हैं ट्री, पेड़ के पत्ते और छाल का बनाया जाता था, और ताम्रपत्र कॉपर को बोलते हैं, ठीक है ना? इसलिए बताया जाता है कि जो लाइब्रेरी थी वो 6 महीने तक चलती थी, क्योंकि इतने सारे बुक थे, धीरे 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 कॉपर को ऑलरेडी पिघलता भी है, ठीक है ना? और नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रही थी उस समय कई एक बार इस पर अटैक किया गया है, क्योंकि आप हम पढ़े 6वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। उस जमाने में अक्सर आक्रमणकारी आते रहते थे, और उस समय बख्तियार खिलजी और एक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, और मगध पे आया था बख्तियार खिलजी, जो मगध का क्षेत्र था सर, और मगध की राजधानी राजगिरी थी, ठीक है ना? और सबसे बड़ा सम्राज्य मगध सम्राज्य ही माना जाता है। हाँ हाँ। और सबसे बड़ी बात है सर कि जिस जमाने में नालंदा का निर्माण किया गया था उस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय से पहले ये 500 AD की है, लेकिन उससे पहले से ही इस स्थान का जुड़ाव रहा है। सिक्स सेंचुरी BC से रहा है। अच्छा। सिक्स सेंचुरी BC में उस समय ये नहीं था नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन ये था। ये था, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा। राजा सात राजा, लेकिन तीन ही राजाओं का दिखता है सर। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने भी किया था। इसमें क्या हुआ बोले? मैं बताऊंगा, बीसी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये असेंबली हॉल है सर। ये असेंबली हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये ओरिजिनल ड्रेनेज है, जो मैं आपको बताया था कि ओरिजिनल ड्रेनेज भी दिखाऊंगा। देखिए ये ग्राउंड लेवल कितना डीप दिख रहा है सर। अगर इसका ड्रेनेज सॉलिड नहीं रहेगा सर, तो ये पूरा तालाब जैसा दिख रहा है ना। वो देखिए सीढ़ी देख रहे हैं ना, सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर में टेम्पल था, सीढ़ी के नीचे देखिए बोर्ड के बगल में इस तरह से धनुष दिखाई दे रहा है, हाँ, धनुष, हाँ, 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 है ना? वो कुमार गुप्त का प्रतीक चिन्ह है सर। धनुष गुप्ता डायनेस्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष है। और मौर्य डायनेस्टी का क्या है? अशोक स्तंभ, जिसपे वो शेर होता है सर। तो हर राजा का अपना अपना पहचान चिन्ह भी होता है। देखिए ये 10% का मैप नक्शा बनाया गया है। मैं नक्शे को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग एजुकेशन से अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? बहुत सारे गाइड नहीं क्लियर करते, लेकिन नक्शा अगर बता देंगे सर तो आपको फिर समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में बौद्ध विहार, जो भी से मैंने बता रहा था, और हम आप समझने के लिए हॉस्टल छात्रावास, क्लियर? अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सर। अच्छा, अभी हम लोग इस बे रास्ते से सीधा इन करके यहाँ पे आए हैं। ये दो देख रहे हैं, इस साइड प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है, तीन इस साइड का दिखाई दे रहा है सर, है ना?
इस तरह से ये सब जो इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं ये सब योगा सेंटर मेडिटेशन सेंटर है, क्लियर है? तो वन टू ये दो, ये दो, ये दो, ये मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, इस तरह से इर्द गिर्द जो भी है ना मेडिटेशन सेंटर, ये दो देख रहे हैं, ये दो देख रहे हैं, ये दो देख रहे हैं, है ना। हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको टेंपल मिलेगा, यानी कि मंदिर नुमा आकृतियां मिलेंगी। यहाँ से जो भी मूर्ति वगैरह मिला है वो सब म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया, जस्ट अपोजिट है सर, क्लियर। 1 2 3 4 5 अभी हम लोग मॉनेस्ट्री नंबर 5 को देखें जो ग्राउंड लेवल बता रहे थे, ठीक है ना। 6 7 8 9 10 11 अभी प्रेजेंट में 11 हॉस्टल मिले हैं, यानी कि 10% में कितना 11 हॉस्टल मिले हैं। वो रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है ना जहाँ से लोग आ रहे हैं वो 6 है सर, ये 4 है, ठीक है ना। 4 6 7 8 9 10 11 फाइव कहाँ गया? 5 अभी हम लोग वहाँ गेट के पास देखे सर, जो ग्राउंड लेवल बता रहे हैं। ये एक एक कमरा है, जो एक कमरे एक बच्चे के लिए होते थे, एकटा रूम एकटा बच्चा। ये आंगन है सर, अच्छा। ये ऊंचा स्थान गुरु का बैठने का स्थान है, यानी कि कमरे में पढ़ाई नहीं होता था, आंगन में पढ़ाई होती। ये वाटर वेल है, एक 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 सभी में वाटर वेल मिले, यानी कि कुआं मिला है, क्लियर। एक लाइन जी, एक लाइन से क्या हो गया, मॉनेस्ट्री एरिया, और ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं वाटर वेल कहाँ है ये, और ये क्या है, गुरु का, गुरु का, अच्छा। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ये क्या बोले, वो भी तो गुरु का, दो गुरु दोनों का अलग अलग, दो मिनट सर। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं ये नेट पे गूगल पे हर जगह इसी का, यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये सारा पूजा स्थल है। पूजा स्थल में दो चीज मिला है, अस्तूपा और टेंपल। तो टेंपल क्या होता है, स्तूप क्या होता है, मैं स्पॉट के पास चल करके क्लियर करूँ। और छोटे मंदिर को बोलते हैं चत्याज, ठीक है, जो ये है। हम लास्ट में इनके बारे में बताएंगे कि ये है क्या, जो बीसी की बात अभी कर रहे थे, है ना। जो देख रहे हैं इसका नाम है शारिपुत्र स्तूपा। कहीं भी आप देखते होंगे तो इसी का पिक्चर फोटो आता है, नेट पे गूगल पे कहीं भी सर, ठीक है, इतिहास की किताब भी है जी, और बच्चों को पढ़ना भी है नालंदा के बारे में। तो इसका नाम है शारिपुत्र स्तूपा। तो सवाल उठा कि शारिपुत्र कौन थे। शारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे, ठीक है ना, बुद्ध के शिष्य। शारिपुत्र पकड़ो, आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध के कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे, जो मेन माना जाता है, सारनाथ में जी दीक्षा दिया, सबसे पहला उपदेश। लेकिन उसमें भी 2 मुख्य थे, एक को लेफ्ट हैंड माना जाता है और एक को राइट हैंड माना जाता है। एक का नाम शारिपुत्र और एक का नाम महामोगलायन था। शारिपुत्र और महामोगलायन नालंदा के थे, मंगलपुत्र, ठीक है ना। और महामोगलायन जो है उनका और शारिपुत्र का जन्म स्थान ये है सर, ठीक है। लेकिन शारिपुत्र का निर्वाण नालंदा में हुआ और मृत्यु महामोगलायन का सांची में हुआ, यानी कि निर्वाण सांची में हुआ, जो कि सम्राट अशोक ने बनाया था कलिंग युद्ध के बाद, क्लियर। अब हम लोग समझेंगे कि स्तूप और टेंपल में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, यानी कि बुद्ध का नाम और शारिपुत्र का नाम लिया, तो उस समय ये मगध का क्षेत्र था और इसका नाम था पावारिका, जो कि राजा के द्वारा डोनेट में दान में दिया था भगवान महावीर को, क्योंकि बुद्ध से पहले भगवान महावीर आए थे। लेकिन दोनों को समकालीन माना जाता है सर। तो बुद्ध और शारिपुत्र 6 सेंचुरी BC के थे, यानी कि 2500 बच्चर पहले, क्लियर है। उस समय यहाँ पे भगवान बुद्ध घूमा करते थे, विश्राम किया करते थे, चतुर्मास किया करते थे, वर्षावास किया करते थे, और इसी पवित्र स्थान पे यहाँ पे शारिपुत्र का जन्म हुआ, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वो मूर्ति किस चीज का, हम बता रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि स्तूप और टेंपल में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। टेंपल में क्या होते हैं कि गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में गर्भगृह होते हैं जहाँ भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, यानी कि अंदर जा कर के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन स्तूप में क्या होता है सर कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो उसके अंदर होता है क्या, उसके अंदर डेड रिमेन्स होते हैं, या तो बुद्धा का रहे या तो बुद्धा के शिष्य का रहे, ठीक है ना, क्लियर है। कहीं भी आप चले जाइए दुनिया के किसी भी कोने में सर, स्तूप बढ़ाएगा तो वो सॉलिड कंस्ट्रक्शन, वहाँ डेड रिमेन्स यानी कि राख और अस्थियाँ रहती है, उसी को बोलते हैं स्तूप, यानी कि स्तूप के अंदर जा नहीं सकते, क्लियर। और स्तूप के साइड साइड में क्या होता है, भगवान की मूर्तियाँ, जो आप पूछ रहे थे।
वो जो भी देख रहे हैं सब टूटी हुई मूर्तियां हैं, सीढ़ी के इस साइड भी, उस साइड से भी देख सकते हैं, सभी जगह भगवान की मूर्तियां हैं। और बुद्धिस्ट लोग क्या करता है, इसको परिकर्मा करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में भी है परिक्रमा, नहीं बहुत कम करते हैं, जनरली वे में देखा जाए तो पूजा पाठ करके चले आते हैं अपने घर, ऐसा है। लेकिन बहुत कुछ ऐसे होते हैं सनातन धर्म में, ऐसे भी हैं उनको चक्कर भी लगाते हैं कि चलो पंचकर्मा कर लिया जाए, पांच फेरा लगा लिया जाए, ठीक है ना, थोड़ा आत्मा की संतुष्टि के लिए वो। लेकिन मैंने बताया, क्लियर किया, अब ध्यान दीजिएगा, उसी पवित्र स्थान पे 1000 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया कुमार गुप्त के द्वारा 413 ईस्वी। फर्स्ट सीढ़ी जो वहां तक दिखाई दे रहा है सर, ये कुमार गुप्त बनाए, पहला राजा कुमार गुप्त, ये सीढ़ी नहीं, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, ये सबसे नीचे जो वहां तक दिखाई दे रहा है, हां वहां तक, हां लेफ्ट वाला, वो गुप्ता, सेकंड हर्षा और थर्ड पाला। जैसे जैसे राजा आते गए इसको डेवलप करते चले, ठीक है ना सर, 1 2 3 है ना, 5th 7th 8th 9, ठीक है, और 12th में इसको डिस्ट्रॉय, क्लियर है। यहाँ से लेकर के एक लाइन से सारा हो गया मंदिर का पार्ट, जिसमें स्तूप और टेंपल मैंने बताया। यहाँ मूर्ति कहीं नहीं है, सिर्फ ये सेड है ना, इसमें थोड़ा सा बुद्धा का छोटा छोटा स्टैचू के रूप में इस तरह से पत्थर में बनाया गया है। यहाँ से जो मिला है सब म्यूजियम, म्यूजियम में है। म्यूजियम देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ देख लें, ये जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म जैसा इस तरह से जो दिखाई दे रहा है सर, अभी भी बौद्धिस्ट धर्म के लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ बैठ करके मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं। ये वो स्थान है, तो ये टेम्पल खुली हुई है, ये टेम्पल खुला हुआ नहीं है, यहाँ बैठ करके। अच्छा, और इसके इसके अंदर क्या कुछ नहीं, इसके अंदर रिमेन्स है सारी कुछ, स्तूपा है। सारा मोनेस्ट्री हो गया जहाँ पठन पाठन का काम होता था, और एक लाइन से पूजा स्थल हो गया जिसमें कि मूर्ति नहीं है और जगह जगह पे ध्यान लगाने का स्थल, ठीक है सर। 1 मिनट, वो ऊंचा माटी दिख रहा है सर, उसी तरह से पूरा मिट्टी से कवर्ड हो गया था पूरा, क्योंकि 600 सालों के बाद भूकंप आया, आपदा आया, और ये मिट्टी से आगे तो मलबा हो चुका था जलने के बाद, है ना, तो ये उसी तरह से दिखता था जो 1861 में उसको पता चला था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद खुदाई हुआ 1537 का, क्लियर है, 1915 से 1937 तक, मैंने 1537 इसलिए बोला है, दो बार बताया, ठीक है ना, यानी कि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, क्लियर है। अब हमारे तरफ से फ्री है सर घूमने के, যখন বক্তিয়া খিলজি এই বিল্ডিংটা পুড়িয়েছিল নালন্দা ইউনিভার্সিটিটা, তো সেই কালো চিহ্নগুলো এখন বর্তমানে মানে কালো স্পটগুলো রয়ে গেছে, কারণ এই সুরকি দিয়ে বানানো যেটা আপনারা শুনলেন, তো তার কিছু চিহ্ন এখানে এখনো রয়ে গেছে, কালো কালো স্পটগুলো আপনারা দেখে যেটা বুঝতে পারছেন। প্রাচীনতম এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারুকার্য দেখে তখনকার দিনের ভাস্কর্যের এক অভূতপূর্ব চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়াশোনা করতে আসত। হিউংসাং নিজেও এখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস কিন্তু তারই লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ সি ইউ কি থেকে জানা যায়।
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য হর্ষবর্ধন প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও এখানে দর্শন, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। প্রায় 1600 বছরের এই স্থাপত্যের ছাপ প্রত্যেকটার ইটের গঠন দেখলেই তা বোঝা যায়। শঙ্খ এখানে পদ্ম বা কিছু রয়েছে, এটা হয় বুদ্ধ ধর্মের কোন মূর্তি অথবা হিন্দু ধর্মের লক্ষ্মী মূর্তি। লক্ষ্মী মূর্তি তুই এখানে কি করে আসবে? পেতে আসতেই পারে, বিষ্ণু ইয়ে রয়েছে। এই প্যানেলটা ইউনিক প্যানেল, এটা একটা ইউনিক প্যানেল। এটা হচ্ছে এখান থেকে স্টার্ট, এটা হচ্ছে যতদূর সম্ভব এক সমুদ্র মন্থনের কোনো ইয়ে, এটা কোনো কিছু টানছে বিনা 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 নয় বিনা কেন এই জিনিসটাকে এখানে এনেছে মনে। আচ্ছা এটা এইভাবে গেছে, হর্ষবর্ধন স্বয়ং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি আচার্য শীলভদ্রের মতে নালন্দা ছিল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় 10,000। এটাই সব থেকে উঁচু? না, আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেই। গ্রাউন্ড তো ওই 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 ওইটার নিচে, ওইটার নিচে বেসমেন্ট ছিল। হ্যাঁ, এটা সেকেন্ড ফার্স্ট ফ্লোর, এটা ফার্স্ট ফ্লোর। দাও, এটা মোটামুটি হর্সের যুগ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, যেটার উপর দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে হর্সের। আচ্ছা, সেকেন্ডে সেকেন্ড এটা হচ্ছে পাঁচ। এই প্রত্যেকটা ছোট ছোট ঘরগুলোতে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল।
তখনকার দিনে ইটের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায় এগুলি ছিল লম্বা দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং বেশ চওড়া। পাথরের গাগুলো ছিল খুবই মসৃণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চুন সুরকি দিয়ে কাজকর্ম চলছে এবং ছোট ছোট এগুলো এক একটা স্তূপ। স্তূপের গায়ে ভগবানের মূর্তি রাখা হতো, সেটা এই বুদ্ধের মূর্তিগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। বাকি মূর্তিগুলো সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে নালন্দা মিউজিয়ামে। এই নালন্দা, এই যে পুরনো ইউনিভার্সিটিটা ডিস্ট্রয় হয়েছে, সেটা পুরোটা ডিসক্রাইব আমি করলাম তোমাদের সামনে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। গাইডের যে কথাটা ভালো করে আশা করে শুনেছেন, অবভিয়াসলি খুব ইম্পর্ট্যান্ট এটা। আমি ভিডিওটা পার্ট টু এর মাধ্যমে যেটা বার করলাম, তো দেখ দেখতে থাকো আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগছে। চলো এখনও নেক্সট মিউজিয়ামটা যাবো, সেটা তোমাদের দেখাবো যদি ক্যামেরা অ্যালাউ করে। আই থিঙ্ক ক্যামেরা যদি অ্যালাউ না করে তখন একটু প্রবলেম হতে পারে। সো দেখা যাক, লেটস সি। তো বন্ধুরা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বংসাবশেষের এই ইতিহাস তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানিও, এবং এরকম ঐতিহাসিক আরও ভিডিও পেতে নিচে লাল রঙে সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো, আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না। সো দেখা হচ্ছে আবার পরের পার্টে, ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।